मैं आप सबको नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं और एक बार जोरदार जयकारा, हर हर महादेव, हर हर महादेव। देवाधिदेव महादेव के बारे में महाराज प्रदीप मिश्र जी के प्रवचन आप सब श्रवण करत हो, शिव की महिमा के बारे में आप सब मोर से भी ज्यादा जाना था, तो मैं ज्यादा कुछ बताऊं नहीं, लेकिन सबसे अवघड़दानी, सबसे ज्ञानी ध्यानी यदि कोई देव है तो महादेव है। महादेव ही सबसे पहले दुनिया में विवाह नाम के संस्था शुरू करी। भगवान शिव ही है जिन सबसे पहली संगीत के रचना करी। भगवान शिव ही है जिन नृत्य के रचना करी, जेकर तांडव नृत्य के बारे में हम सब परिचित हैं। जतेक भी आज पूरा देश, चाहे दक्षिण हो चाहे उत्तर हो, पूरब हो चाहे पश्चिम हो, सब जगह आप ल मिले। भगवान राम उत्तर से दक्षिण गए, भगवान कृष्ण उत्तर से पश्चिम गए, लेकिन एकमात्र शिव है। आप हिमालय में जाओ तबो आप लोग शिव मिली, आप यदि रामेश्वरम में जाओ तबो शिव मिली, देश के कोनो कोंटम चल दो शिव जरूर मिली, कोनो गांव चल दो शिव मिली, कोनो शिव के थे, कोनो शंकर के थे, कोनो महादेव के थे, कोनो बूढ़ा देव के थे, कोनो बड़ा देव के थे, लेकिन सब जन उहिल मान थे। बिना शिव के न राम कथा हो सका, न बिना शिव के कृष्ण के कथा हो सका। तो शिव बिना काकरो गुजारा नहीं है, और ओकरे से आज लाखों के तादाद में आप सब आए हो। भगवान शिव कि जहां डमरू है त्रिशूल है, वहीं गलम सर्प भी है तो नंदी जी भी है। लेकिन महाराज आजकल ये नंदी जी ला आवारा पशु के थे जी। ये बड़ा दुख, और गाय लत रख लेते सब जन, कावर की गाय दूध देते और बछो मन ला ढिल्ला छोड़ देते, तन हुई आवारा पशु हो जाते। तो हमार छत्तीसगढ़ सरकार है तेना गाय के भी जतन करत है और बछवक तक जतन करत। अभी पंजाब में पराली जलाए की शिकायत बहुत होते, उत्तर प्रदेश हरियाणा सब जगह शिकायत होते। अब महाराज आए तो सब जन दान चढ़ाओ चढ़ोतरी दू, कोनो धन के दान देते, कोनो धान के दान देते। अब महतारी मन बैठे है, जेकर घर में लड़की थे मन कन्या दान करते, वो मतलब वही सौभाग्य मिले तो सबसे बड़े दान कन्या दान। लेकिन छत्तीसगढ़ में हमन महाराज ये पैरा जला थे, देखा से प्रदूषण बहुत फैल थे, गरवा मन किंजरा थे, ओकर से फसल भी नुकसान होते, रोड में एक्सीडेंट होते। हमन गौठान बनाए हैं, अभी हमारे यहाँ धान कटाई शुरू हो है, तो जतका जगह जाता हूं सब जगह कहा था भैया तुम अल धान के दान नहीं मांगा था, धन के दान नहीं मांगा था, पैरा का दान जरूर दे दो हम अल्लाह, बहुत सुंदर, ताकि हम मवेशी मल्ला खवाए काम कर सकें। तो पैरा दान के अभियान चला थे, ओकर से एक तो प्रदूषण से बचबो, दूसरा मवेशी मन पर चारा की व्यवस्था हुई बरसात पर, तीसरा फायदा अब पैरा खाई चारा खाई तो गरवा गोबर देबे करी, और गोबर ला पूरा हिंदुस्तान में कोनो जगह खरीदे नहीं, हमारे यहाँ 2 रुपये किलो में गोबर खरीदा। जय हो, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर।
4 रुपए लीटर में गौमूत्र खरीदा था। जैविक खेती अभी तक के 89 लाख क्विंटल हमन गोबर खरीद डरे हैं और ओकर से 20 लाख क्विंटल हमन गोबर वर्मी कंपोस्ट बनाए खेती में डाला था। तो हमें जैविक खेती की तरफ बढ़ा था महाराज, हमारे खूब जैविक खेती तरफ हमने 2-4 साल में हमारे पूरा प्रदेश है ना ऑर्गेनिक स्टेट बन जाइए हमारे छत्तीसगढ़। तो फसल भी बचाई, फसल शुद्ध भी रही, अनाज भी शुद्ध रही, सब्जी फल तब सब शुद्ध रही। ओकर से आजकल ये बीपी शुगर दुनिया भर की बीमारी होती थे ओकर से बचत भी हुई। तो गौ माता भी सेवा कर रहे, उन्हें पूरा दुनिया में एकमात्र कौशल्या माता का मंदिर है हमारे छत्तीसगढ़ में चंदखुरी में, बढ़िया से जीर्णोद्धार करें। शनिवार इतवार के हजारों लाखों के तादाद में सब श्रद्धालु बन जाते। इस साल शिवरी नारायण के, पिछले साल शिवरी नारायण के हमने बहुत सुंदर वो सजाए भी हैं। महानदी किनारे में भगवान राम के 51 फीट के मूर्ति की स्थापना करे हैं। ए साल हमन ले हन राजीम ला ले हन, राजीम है, चंपारण है, ये सब ला विकास के काम करबो। श्रद्धालु मनाते रह के सारे की व्यवस्था 55 एकड़ जमीन हमन हम विकसित करा थन राजीम में। ते में इसे टेंट परमानेंट टेंट बनी महाराज, श्रद्धालु मन के भी रही, साधु संत मन के कुटी बनावो, ये पुलिस वाला मन व्यवस्था में लगे, अधिकारी मन व्यवस्था में रहे, ओकरो मन के रहे व्यवस्था, और आपो बनाओ महाराज तेरह मन पर व्यवस्था वहां रखे। बढ़िया चतुर्मासा में बढ़िया वहां कथा भागवत करूं तो वहां सब रुके रुके व्यवस्था कर। 55 एकड़ जमीन अभी गोढ़ियारी में अतेक बड़ कार्यक्रम करा दे महाराज, ये विकास है परमिशन पर। और गोढ़ियारी तेन बहुत घना आबादी, तो परमिशन मिल जाते रही से ये विकास है। ये कहां गए अग्रवाल, तो ये मन कही के परमिशन दे चलागी है और परमिशन मिली भगवान के शिव की कृपा से बहुत शांति पूर्वक ये कार्यक्रम संपन्न हुए थे। तो मैं अवसर में आप लोग भी प्रणाम करा था और संत समाज भी प्रणाम करा था और आप सब लोग एक बार फिर से जयकारा के आह्वान करा था। बोले हर हर महादेव, हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। भगवान शिव आप सब के मनोकामना पूरा करे, यही प्रार्थना के साथ आप अवसर दे महाराज। एक बार आप हृदय से धन्यवाद देते हुए आप लपाम करते हुए अपन वाणी लेकर विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।